पुरानी दिल्ली का मशहूर नहारी बल्ली मरान नहारी रेस्टोरेंट अब आपके शहर मुमरा में। आपको दिल्ली जाने की अब जरूरत नहीं, जहां आपको मिलेगा बल्ली मरान स्पेशल थाल, बोंग नहारी, मटन नहारी, बफाया मटन भेजा तड़का नहारी, दिल्ली की डेक मटन चाप मसाले के साथ, आपका पसंदीदा रोटी नान, लवासा नान, तंदूरी रोटी और कुलचा भी मिलेगा। हर एक स्वाद हमारी कहानी का हिस्सा है, बल्ली मरान नहारी रेस्टोरेंट जो अब आपके शहर मुमरा में। बेमिसाल स्वाद के साथ दिल को छू जाने वाला जो आपको हमेशा याद रहे। बेहतरीन सर्विस के साथ बल्ली मरान नहारी रेस्टोरेंट से आप घर बैठे फ्री ऑर्डर कर सकते हैं। मैं इस्तामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। 3 साल की मासूम की हत्या के बाद उसके पैर काट दिए गए और शव को बोरी में भरकर उसे एक खाली पड़े प्लॉट में फेंक दिया गया। रूह कपा देने वाली ये घटना का पुलिस ने जब खुलासा किया तो पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल हत्या करने वाली कोई और नहीं बल्कि पड़ोस की रहने वाली एक लड़की है और मृतक मासूम लड़की के पिता से इस लड़की के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था। दरअसल ये पूरा मामला रामपुर के हसनपुर का है, जहां दानिश अली अपने परिवार के साथ रहते थे और इनकी 3 साल की बेटी अनायजा नूर भी साथ में रहती थी। बताया जा रहा है कि 7 अप्रैल को अनायजा टॉफ़ी लेने के लिए किराने के दुकान पर गई थी, लेकिन घर वापस नहीं लौटी। परिवार के लोगों ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई, लेकिन 9 अप्रैल को आखिरकार बच्ची अनायजा नूर की लाश बोरी से बरामद हुई, वो भी किराना दुकान के पीछे खाली पड़े प्लॉट। लाश जब बोरी से बाहर निकाला गया तो देखा गया कि बच्चे के दोनों पैर भी कटे हुए। सूचना पाकर मौके पर पुलिस भी पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लेकिन पुलिस के सामने सवाल था कि आखिर इस 3 साल की मासूम बच्ची की हत्या किसने की, इसकी क्या दुश्मनी रही होगी, किसने इस मासूम 3 साल की अनायजा को मार डाला। मगर पुलिस ने जब खुलासा किया तो सुनकर सभी दंग रह गए। पुलिस ने बताया कि मासूम मृतक अनायजा नूर के पिता से पड़ोस में ही रहने वाली एक लड़की का प्रेम प्रसंग था और उसी लड़की ने इस घटना को अंजाम दिया। इस लड़की ने बड़ी ही बेरहमी से 3 साल के अनायजा को मारा था। बताया जा रहा है कि मारने के बाद अनायजा के पैर भी काट ली और उसे गोनी में भरकर एक खाली पड़े प्लॉट में फेंक दिया था। लेकिन पुलिस ने अब इस पूरे घटना का खुलासा किया। महिला को अरेस्ट किया गया है और खुलासे में पता लगा है कि कुछ जलनवश और कुछ घृणावश उसके द्वारा इस बच्ची को, जो कि उसके घर टॉफी लेने गई थी, उसकी गला घोट करके हत्या कर दी गई और अपने घर के छत पर उसको बोरी से में बांध करके पिछवाड़े फेंक दिया गया था। तो यही थी कि जो लड़की का पिता है उससे जो अभियुक्त पकड़ी गई है उससे कुछ जान पहचान बातचीत थी, जो कि उसकी पत्नी को यानी कि जो बच्ची है उसकी माँ को पता लग गया था। और जब तक विवेचना से आया है कि इसी विवाद में अभियुक्त द्वारा ये घटना कारित की गई है।